इतना मेरा नंबर, ये ठीक है। कितने से ऊपर गड़बड़ है? सैनिटाइजर कैसे दो के सबको देते हो? ये ऐसे करके सबको देना है और तभी इसकी गिनती होगी। उसके बाद ये प्रतिदिन सुबह शाम और सैनिटाइजर। कितने लोग गार्ड हैं यहाँ ड्यूटी में? कुछ और होगा उनको भी यही बताओगे आप, है ना? के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ RWA के माध्यम से कोविड हेल्पडेस्क भी लगाया गया है। सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं तत्काल प्रभाव से उनको सरकारी फ्री दवा दी जा रही है और साथ ही साथ उन लोगों को प्रतिदिन कमांड सेंटर से भी कॉल किया जाता है, उनकी तबीयत भी जानी जाती है। सैनिटाइजेशन प्रतिदिन सुनिश्चित कराया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन जो मानक के अनुरूप है नगर निगम के द्वारा। और यही निर्देश है सभी दुकानों के लिए भी कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, मिलजुल कर हम लोगों को कोरोना को हराना है। लोगों को इस चीज़ के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि 100% डबल डोज भी सब लोग अपना लें। सर, जिनके यहाँ निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, क्या आपकी तरफ से प्रशासन की तरफ से इसी तरह की सक्रिया चालान किया जा रहा है? सर देखिए, लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग स्वतः ही जागरूक रहें, अपने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 100% इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। और अगर कोई जानबूझ के उल्लंघन या गलती कर रहा है या जानबूझ के उल्लंघन करता है तो एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक और जो कार्रवाइयां हैं वो भी शुरू की जाएंगी। योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे थे कोविड सेंटर को देखने के लिए। सर, किस तरीके के निर्देश दिए? और सर, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक है और सभी से मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 100% जो हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको पालन करें, 100% वैक्सीनेशन करवाएं और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर है जिसका टोल फ्री नंबर हमारा 452-3000 है वो फुली एक्टिव है, कोई भी सहायता आपको वहाँ से मिल सकती है। थैंक यू। We'll be right back.